क्या ये कार टावर गिरा पाएगी? बड़े दिनों के बाद आज बनेगी कार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज साहिल एंड वी आर वेरी क्लोज टू 26,000 सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज सब्सक्राइब। कोई भी पर्सन जिसने आज तक कभी कोई डीआईवाई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, वो भी इस वीडियो को देखकर इजीली एक रिमोट कंट्रोल कार बना सकता है। रिमोट कंट्रोल कार बनाने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल मैंने मेकर बाजार से मंगवा लिया है, जो इस बॉक्स में है। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या चीजें मंगवाई है। नाउ लेट्स मेक आरसी कार, रिमोट कंट्रोल कार, जो बोलो वो, लेट्स मेक इट। व्हील्स बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पर पीवीसी पाइप का। इसके हमें 2-2 सेंटीमीटर के 4 पीस कट करने हैं, और कट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं हैक्सो ब्लेड का। तो फटाफट हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें से 4 पीस कट कर लिए हैं। एंड देन हमें जरूरत पड़ेगी एक खाली पेन की, इसके भी मैंने 4 पीस कर लिए हैं, एंड बैम्बू स्टिक्स की। देन हमें जरूरत पड़ेगी ड्रिल मशीन की। 60 डिग्री के एंगल पर हमें इस पीवीसी पाइप में 6 होल बनाने हैं, तो फटाफट मैं इसमें होल बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने चारों पीस में 6-6 होल बना दिया है। यहाँ पर मैंने प्लाईवुड के ऊपर एक होल करके ड्रिल बिट को 90 डिग्री के एंगल पर एकदम सीधा लगा दिया है। इसके ऊपर हम इस पेन के पीस को लगाएंगे। पेन के पीस को लगा देने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पीवीसी पाइप के पीसीस जो हमने कट किए थे, उसे भी हमें यहाँ पर लगा देना है। मैंने पीवीसी पाइप के एकदम सेंटर में इस ड्रिल बिट को लगाया था। अब हम बैम्बू स्टिक को पीवीसी पाइप के होल में डालकर सुपर ग्लू से चिपका लेंगे। इसी तरह से हमें और 5 बैम्बू स्टिक को भी इसमें डालकर लगाना है, एंड सुपर ग्लू से इसे हम पेन के साथ अच्छे से चिपका लेंगे। देन एक्स्ट्रा बैम्बू स्टिक को हमें कट कर लेना है। कुछ इस तरह का व्हील रेडी हो चुका है। इसे सपोर्ट करने के लिए मैंने पीवीसी पाइप में से एक सर्कल ड्रॉ करके कुछ इस तरह की रिंग बना ली है। इसे हम इस सेंटर में लगा देंगे ताकि ये बैम्बू स्टिक्स को सपोर्ट दे सके, एंड सुपर ग्लू से हम इसे भी चिपका देंगे। तो कुछ इस तरह की हमारी टायर की रिम रेडी हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर रबर लगाना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बाइसिकल टायर की ट्यूब का। इसमें से हमें सीधी सीधी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। मैंने 3 स्ट्रिप्स कट कर ली है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 लेयर लगाकर इस टायर को मोटा बनाना है। तो इसे लगाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सुपर ग्लू का। सुपर ग्लू की मदद से हम फर्स्ट स्ट्रिप इसके ऊपर लगाएंगे, एंड अच्छे से इसे घुमाकर लगा देंगे। एक्स्ट्रा ट्यूब को हमें कट कर लेना है, एंड साइड में से जो भी ट्यूब निकल रही है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। इसके ऊपर हम रबर की सेकेंड लेयर चढ़ाएंगे, एंड सेकेंड लेयर के बाद हमें इसके ऊपर थर्ड लेयर भी लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमें तीनों लेयर को एक साथ में लगाकर सुपर ग्लू से चिपका देना है। तो कुछ इस तरह का टायर हमारा बनके रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने टोटल 4 व्हील्स बना दिया है हमारी रिमोट कंट्रोल कार के लिए। ये व्हील काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आप चाहो तो रेडीमेड व्हील्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये कार हो सके उतनी खुद ही बनानी थी। मेकर बाजार पर आपको प्रोजेक्ट के लिए A to Z सब सामान मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के ऊपर से आप इजीली सामान ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कीजिए मेकर बाजार। चेसिस बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक्स का। इसके राउंड एंड्स को मैं कैची की मदद से कट कर लूंगा, तो सभी पीसेस को हमें फटाफट से कट कर लेना है। 200 सेकंड की तपस्या करने के बाद ये कट हो चुका है। अब हम इसे सेट करके चेसी की फ्रेम बना लेंगे, एंड सुपर ग्लू से हम इसे चिपका लेना है। तो कुछ इस तरह की फ्रेम मैंने बना ली है, बट ये काफी थिन है, इसके ऊपर कार का वेट नहीं रह पाएगा। तो हमें और आइसक्रीम स्टिक्स लगाकर इसे थोड़ा मोटा और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं।
कुछ इस तरह की चेसी मैंने बना ली है। जरूरी नहीं कि आप भी सेम टू सेम ऐसी ही बनाए, आप अपनी मर्जी से कुछ डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने ये बनाई है। अब हम बनाएंगे इसकी फ्रंट एक्सल यानी कि इसका स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसके लिए हमें दो आइसक्रीम स्टिक को साथ में लगाकर उसे भी हाफ में कट करके उन दोनों को भी साथ में लगा देना है, और साथ साथ में आइसक्रीम स्टिक को लगाकर कुछ इस तरह का एक सिंगल पीस हमें रेडी करना है। तो कुछ इस तरह का पीस मैंने रेडी कर लिया है। इसके साइड में हमें दो पॉइंट बनाने हैं और यहाँ पर हम करेंगे होल। होल करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ड्रिल मशीन का जो मैंने खुद बनाई थी। उसकी मेकिंग वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पीस को हमें चेसी के आगे की साइड में लगाना है कुछ इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके दोनों होल थोड़े बाहर की साइड में आने चाहिए। तो ये फिक्स हो चुका है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी वायर की। तो ये वायर मैंने ले लिया है। इसे हमें प्लायर की मदद से 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना है और ये बाहर की साइड मैंने 3 सेंटीमीटर का वायर छोड़ा है। यहाँ पर मैं एक रिफिल का पीस लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी स्पेस छूट जाए। एंड इस तार को हमें इस होल में पास कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पेन की रिफिल की। तो खाली पेन में से मैंने रिफिल निकाल ली है एंड 2 सेंटीमीटर के 2 पीस हमें इसमें से कट कर लेने हैं। तो कट करने के बाद इन दोनों पीस को हम लगा देंगे इस तार के ऊपर कुछ इस तरह से। एंड देन उसके ऊपर भी हमें तार को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ देना है। एंड फिर से हमें इसे 90 डिग्री के एंगल पर भी मोड़ना है। सिमिलरली हमें दूसरे तार को भी ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा तार को हमें प्लायर से कट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज्म वर्क करेगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सिंगल शाफ्ट गियर मोटर की। डबल शाफ्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमें आगे की साइड में यहाँ पर लगाना है। गियर मोटर को यहाँ पर फिक्स करने के बाद हमें ज़रूरत है स्पेसर्स की, जो मैंने वायर में से कट करके निकाले हैं। 2 स्पेसर यहाँ पर लगाने के बाद मैंने आइसक्रीम स्टिक में से कुछ इस तरह का पीस रेडी कर लिया है। इसे हमें इन दोनों तार के ऊपर लगा देना है और ये निकले नहीं, उसके लिए उसके ऊपर एक और स्टॉपर हमें लगा देना है। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बन गया है। अब हॉट ग्लू का यूज़ करके इस गियर मोटर को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ ताकि ये बाद में निकल ना जाए। देन हमें इसके ऊपर एक होल बनाना है ठीक इसी जगह पर। यहाँ पर होल बनाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक हेयर पिन की। कुछ इस तरह की हेयर पिन हमें चाहिए। तो नीचे की साइड से मैंने इस हेयर पिन को ऊपर डाल दिया है एंड हॉट ग्लू का यूज़ करके मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। देन मैंने एक तार को मोड़ के कुछ इस तरह का लूप बना लिया है जिससे ये गियर मोटर के ऊपर फिक्स हो जाए। इस तार को हमें इस हेयर पिन के बीच में डालकर गियर मोटर के ऊपर फिक्स कर देना है। एंड सुपर ग्लू से इसे यहाँ पर फिक्स करने के बाद मैं थोड़ा हॉट ग्लू भी लगा देता हूँ ताकि ये स्लिप ना हो। तो ये अच्छे से लग चुका है। ये है डबल सेल बैटरी होल्डर जो मैंने मेकर बाजार से सिर्फ 25 रुपये में मंगवाया है। इसे हम इस कार के पीछे की साइड में चेसी के बीच में जो गैप है उस गैप में लगाकर हॉट ग्लू से इसे यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। तो बैटरी के लिए जगह बन गई है। अब हमें यहाँ पर एक स्पेसर डालना है। स्पेसर डालने के बाद ये आ गया हमारा व्हील। व्हील को हमें इस तार के ऊपर लगा देना है एंड व्हील निकले नहीं, इसलिए हमें एक और स्टॉपर इसके ऊपर लगा देना है एंड सुपर ग्लू से इसे फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली हमें दूसरी साइड भी व्हील्स को इसी तरह से लगाना है। दोनों व्हील काफी अच्छे से अलाइन हुए हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी फ्रंट एक्सल स्टीयरिंग मैकेनिज्म बन गया है। ये गियर मोटर मैंने मेकर बाजार से 48 रुपीज में खरीदी है। ये हम यूज करेंगे रियर एक्सल बनाने के लिए। साइकिल स्पोक से हमें 2 छोटे पीस कट कर लेने हैं एंड इस गियर मोटर के ऊपर हमें इन दोनों पीस को लगा देना है। देन सुपर ग्लू से हम इसे चिपका देते हैं ताकि वेट आने पर ये तार निकले नहीं। एंड देन हम लेंगे हॉट ग्लू। हॉट ग्लू यहाँ पर लगाकर रिफिल के पीस को इसके ऊपर स्लाइड कर देंगे। देन उसके ऊपर थोड़ा और हॉट ग्लू, ये
थोड़ा और हॉट ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे व्हील्स। बीच में रिफिल लगाइए ताकि व्हील पूरा अंदर ना चला जाए, थोड़ा दूर से रहे, स्पेसर का काम कर रहा है इन शॉर्ट। दूसरी साइड भी हम सिमिलरली इसी तरह से व्हील को लगा देंगे। सो हमारी कार की रियर एक्सल रेडी हो चुकी है, जो काफी बढ़िया दिख रही है। इसे अब हम बैटरी होल्डर की नीचे की साइड में लगा देंगे, और लगाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अगेन हॉट ग्लू का। तो हमारी रिमोट कंट्रोल कार की ट्रॉली रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा थोड़े जादू यंत्रों के साथ। यहाँ पर मैंने ले लिया है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो मैंने मेकर बाजार से सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में खरीदा है। तो हम इसे अनपैक कर लेते हैं। इसके साथ हमें दो एंटीना भी मिला है, ये रिसीवर एंड कंट्रोलर। इसके ऊपर हम ऑलरेडी स्विच देख सकते हैं। इसे लगाना काफी आसान है, कोई भी बिगिनर इसके ऊपर लिखे हुए वायर के नाम से इसका वायरिंग इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे का रिसीवर लेंगे और इसमें से हम बैटरी के वायर निकाल देंगे एंड डायरेक्ट बैटरी होल्डर के वायर इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। बाद में हम एक वायर कट करके बीच में स्विच भी लगा देंगे, तो डोंट वरी। तो इसे कनेक्ट करने के बाद हम हॉट ग्लू का यूज करके इसे कार के सेंटर में लगा देंगे। यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये सर्किट बाद में निकालनी होगी तो निकलेगी नहीं, या फिर अंदर कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो सर्किट में से मैंने आउटपुट के वायर मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। मोटर के वायर कनेक्ट हो जाने के बाद हम बनाएंगे इस कार के लिए रिमोट, जिसकी मदद से हम इस कार को चलाएंगे। वैसे तो इस ट्रांसमीटर के ऊपर ऑलरेडी स्विच लगी हुई है, बट मुझे बड़ी स्विच लगानी है, तो इस स्विच के जो भी पॉइंट है वहां पर से मैं एक्स्ट्रा वायर सोल्डरिंग करके थोड़ा लंबा वायर लगा देता हूं। तो मैंने एक्स्ट्रा वायर इसमें लगा दिया है। देन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ DPDT स्विच का। इसके टर्मिनल्स मैंने कुछ इस तरह से शॉर्ट कर दिया है, तो ये अब एक ऑन ऑफ ऑन स्विच की तरह काम करेगी। एंड PVC शीट में से मैंने कुछ इस तरह का पीस कट कर लिया है रिमोट की बॉडी बनाने के लिए। दोनों स्विच को हम इस होल के अंदर लगा देंगे। इस तरह से हम कार को कंट्रोल करेंगे। राइट नाउ हमें इसे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इस ट्रांसमीटर सर्किट को यहाँ पर लगाकर मैं सभी वायर्स को स्विच के साथ शोल्डरिंग कर लेता हूँ। हॉट ग्लू से इस ट्रांसमीटर को यहाँ पर चिपका देता हूँ ताकि ये निकल ना जाए। सभी वायर्स को मैंने अच्छे से लगा दिया है। मैंने खराब स्विच को तोड़कर उसमें से कुछ इस तरह का पीस निकाल दिया है एंड यहाँ पर हम इसे लगाना है सुपर ग्लू से। देन मेकर बाजार से मैंने 19 रुपये में ये चार्जिंग मॉड्यूल मंगवाया है एंड सिंगल सेल बैटरी होल्डर। इस चार्जिंग मॉड्यूल को हमें बैटरी होल्डर की पीछे की साइड में हॉट ग्लू से लगा देना है एंड देन बैटरी होल्डर में से हमें प्लस और माइनस एक्स्ट्रा वायर निकालकर इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा बैटरी चार्जर रेडी हो गया है। इस बैटरी चार्जर को हमें रिमोट के अंदर ही फिक्स करना है। तो हमारा रिमोट अब रिमोट भी है एंड बैटरी चार्जर भी है, तो इसी से हम कार की बैटरीज भी चार्ज करेंगे। एक ऑन ऑफ स्विच को हम कनेक्ट करके इसके नीचे की साइड में लगा देंगे। नीचे की साइड में लगाने के बाद हमें इसे बॉक्स की तरह कुछ बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे एंटीना। जो हमने स्विच में से स्क्रू निकाला था वहीं पर इसे लगा देना है। देन इसे बंद करने के लिए मैंने PVC शीट में से कुछ इस तरह के पीसेस कट किया है। इसे हमें बॉक्स की तरह बना देना है, तो इस पीस को लगाने के बाद ये डब्बा बन गया है एंड हमारा रिमोट है रेडी। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं सेल। तो कुछ इस तरह का बढ़िया रिमोट बन गया है, कार चलाने में मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट इसमें हम बैटरीज लगाते हैं एंड करते हैं एंजॉय। पर उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा कार के ऊपर एंटीना, जो मैं स्क्रू की मदद से यहाँ पर लगा देता हूँ। तो एंटीना भी अब कनेक्ट हो गया है, तो अब बारी है रिफिल कट करने की, क्योंकि हमें स्टीयरिंग व्हील को एक लिमिट के आगे नहीं मोड़ना है, वरना टायर टच हो जाएगा चेसी के साथ एंड कार ही चलेगी नहीं। तो फाइनली अब हम लगाएंगे इसमें लैपटॉप बैटरी के सेल, जो मैंने पुरानी बैटरी में से निकाले हैं एंड ये एक टॉगल स्विच भी मैंने लगा दी है इसे ऑन ऑफ करने के लिए।
आप भी ऐसी रिमोट कंट्रोल कार घर पर बना सकते हो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। बी क्रिएटिव। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।